नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर गिरीश चौधरी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार गिरीश चौधरी ठेके पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाने को लेकर के फोन पर किसी से बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों नागरिक अस्पताल से हटाए गए कर्मचारियों द्वारा ये ऑडियो सामने आया। इस ऑडियो में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गिरीश चौधरी ठेके पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखने के नाम पर 1,00,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। नागरिक अस्पताल से हटाए गए कर्मचारियों का दावा है कि ये आवाज़ डॉक्टर गिरीश चौधरी की है, जिसके बाद आज नागरिक अस्पताल में हटाए गए कर्मचारियों द्वारा सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना और प्रदर्शन किया गया है। मामले में सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत भेजी गई है। कर्मचारियों के द्वारा जिला उपायुक्त को भी ऑडियो के साथ साथ आज शिकायत दी गई है। वही मीडिया से बातचीत करते हुए नागरिक अस्पताल से हटाए गए कर्मचारी राजेश कुमार ने बताया कि डॉक्टर गिरीश चौधरी द्वारा ठेके पर रखे गए कर्मचारियों से पैसे लिए गए। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के सफाई कर्मचारी तक सबका रेट अलग अलग रखा गया। वहीं संबंध में रहे स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि आज ऑडियो सहित उन्होंने दोबारा से स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत भेजी है। राजेश ने कहा कि ऑडियो में डॉक्टर गिरीश चौधरी 1,00,000 रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर रखने के नाम पर मांग रहे हैं, जिसमें डॉक्टर गिरीश चौधरी कह रहे हैं कि 60,000 से ऊपर देने हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाए और कई भ्रष्ट कर्मचारियों के नाम भी और भ्रष्टाचारियों के नाम भी सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी डिप्टी सीएमओ गिरीश चौधरी के कार्यालय में 2,00,000 रुपये मिले थे, जिसका कोई भी मालिक आज तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी डॉक्टर गिरीश चौधरी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज थानों में जाकर के पुलिस कर्मचारियों के दराज खंगाल रहे हैं, लेकिन इसके खुद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कार्यालय में भी 2,00,000 रुपये की राशि मिलती है, जिसका कोई मालिक नहीं बनता। आखिरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पलपल फतेहाबाद से राजेश भांगू की विशेष रिपोर्ट। देखिए, पहली बात तो ऑडियोज पर हम इतने यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी हम पुलिस अधीक्षक को मार्क करेंगे अगर ऐसा कुछ मामला हुआ तो यदि फिर भी कोई ऐसा है जो आप लोग सामने ला रहे हैं इशू, तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सर, हम पुलिस अधीक्षक महोदय को अवश्य इंक्वायरी सौंपेंगे। तो जांच जारी रहेगी सर इसमें? मामला तो ये है जी, हमें कई दिन पहले सिविल हॉस्पिटल से हटा दिया था, तो उस पर हमें जो हटाया गया था कि हमें भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया, पैसे मांगे जा रहे हैं। हमने काफ़ी दिनों से हम इसकी शिकायतें जगह जगह दे रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो अभी एक ऑडियो हमारे सामने आया है, जो कि हम आज आपको भी दे रहे हैं और CM साहब को और DC साहब को, सबको वो दे रहे हैं, जिसमें कि साफ तौर पे जो डिप्टी सिविल सर्जन है यहाँ के, वो पैसे लेंगे और नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो सीधा कह रहे हैं भाई 1,00,000 रुपये लगेंगे, तुम्हें लगना है तो 60,000 तो हमें आगे ही देने पड़ते हैं। तो इस ऑडियो ये जो अभी सामने आया, इससे तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और पैसे लेके नौकरी दी जा रही है। डिप्टी सिविल सर्जन का डॉक्टर गिरीश है, डिप्टी सिविल सर्जन है, और वो उनका भ्रष्टाचारी का ऐसा आलम है कि उन पर पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। उनके खुद के कमरे में जो पॉलीक्लिनिक में है, उसमें 2,00,000 रुपये मिले थे। उस मामले की जांच चली रही है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अभी बिल्कुल उनकी ऑडियो स्पष्ट साफ आई सामने आई है। तो उस पर हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई करेंगे। हमने विज साहब को ये भेजी है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनके खुद के महकमे में इतनी, वो दूसरे महकमों में वो भ्रष्टाचार बंद करने की बात करते हैं, उनके खुद के महकमे में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो पहले मिले थे आप अनिल विज से? पहले हम शिकायत दे के आए थे, उन्होंने जाँच का कहा था, लेकिन पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अभी हम ये ऑडियो उनको भेजी है। तो अब भी लगातार पैसे लिए, आपको लग रहा है सालों से पैसे लेके? हाँ, पैसे लेके जब अभी तक भी ये ऑडियो आ रही है, तो इसका साफ ही है कि पैसे तो ले ही रहे हैं। ऑडियो में तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, जिसमें सारी बात वो कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपये लगेंगे, नहीं है तो तुम्हें लगना है तो और फ्री में कहीं लग जाओ। किस पोस्ट की बात चल रही है आपके हिसाब से? वो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट की बात चल रही है, जिसमें 1,00,000 रुपये की चर्चा वो बात कर रहे हैं, लेकिन सभी पोस्टों पर ऐसा ही हुआ है, सभी के लिए पैसे लिए गए हैं और पैसे लेके ही कर्मचारी रखे गए हैं। तो कितना कितना रेट की अगर आपको कुछ पता हो, कितना कितने पैसे लिए जा रहे हैं, कितनी किस किस पोस्ट के लिए?
आपको मिला? अब सूचना तो यही है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की 1-1.25 लाख तक है, बाकियों का 60-70 हज़ार रुपये सिक्योरिटी गार्ड जीडीए लेके लगाए हैं, यहाँ तक कि स्वीपर भी पैसे लेके लगाए गए हैं 30-40 हज़ार रुपये। तो कहाँ ही लगाए जा रहे बंदे? ये सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद में लगाए गए हैं। तो अब आपको क्या उम्मीद है? अभी तो हम कि ये सबूत मिलने के बाद तो यही उम्मीद करते हैं कि अब इस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और पैसे कौन ले रहा है जिसमें पूरे डील में? अभी पूरी डील में यहाँ पे तो ये डिप्टी सिविल सर्जन का ही है, वो खुद कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए लूँगा मैं और 60 हज़ार तो हमें आगे देने पड़ते हैं। अब वो आगे देखो किसको देता है, सीएमओ को देता है या ठेकेदार को देता है, वो तो उनकी वो कैसे बांटते हैं, वो तो वो उनसे पूछताछ होगी तो वो बताएंगे। तो सीएमओ की मिली भगत है इसके अंदर? हमने इतनी बार सीएमओ साहब को उसका जो है दे दिए, उसके बाद शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मिलीभगत तो है ही कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब डीसी को मिल रही है? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार। दोबारा भर्ती होगी, वो दोबारा पेपर होगा, वो तो बात होगी। आज वो चंडीगढ़ गए हुए थे, सारी बात क्लियर होगी। वो अनुमान ने स्कैन सूच कर दिया होगा, इसलिए वहां पे वो भर्ती कैंसिल करके भर्ती दोबारा होगी। अब ये कोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में, तो भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी। आउटसोर्सिंग में ही उसने कह दिया कि अबे तू अपना ये छोड़ कर अपने पीछे ले जा, हैं? इन्हीं तो कब दिक्कत दी है?